सो वेलकम अगेन टू नॉलेज फैक्ट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि आप अपने स्मार्टफोन में असिस्टेंट मेन्यू कैसे ऑन कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका। तो सबसे पहले तो आपको उसके लिए अपना सेटिंग ओपन कर लेना है। तो चलिए सेटिंग ओपन करते हैं। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे नीचे में यहाँ पे आपको एसेसिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इंटरैक्शन एंड डेक्सटेरिटी। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह पेज आएगा। तो आपको सबसे ऊपर में यहाँ पे असिस्टेंट मेन्यू का ऑप्शन मिलेगा। तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा ऑफ है, तो इसको ऑन कर देते हैं। तो ये मैंने ऑन कर दिया। ऑन करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप मेरा कुछ सर्कल जैसा यहाँ पे 3-4 का इस तरह कुछ बॉक्स आया है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कितना सारा ऑप्शन मिल जा रहा है देखने को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा असिस्टेंट मेन्यू ओपन हो चुका है। इसको आप कहीं भी इधर साइड में रख सकते हैं और जहाँ भी आपका मन करें। तो इस तरह आप भी ऑन कर सकते हैं हैं बहुत ही इजी तरीके। सो आई होप आप सब लोग समझ गए होंगे कि आप सब लोग का असिस्टेंट मेन्यू कैसे ऑन करना है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।